ये क्या हो गया? अरे ये तो फेंक था। ऐसा जैसे एक्सीडेंट होता है ना, तो जैसे गाड़ी के टायर के नीचे आ जाता है कोई, तो सेम उसका वो हुआ है। छोटा कीटा ना, बहुत बड़ी नहीं है वो, तो शायद वो सब बर्दाश्त कर पाती है। तो उसका जो ब्लड है ना, उस अंदर उसकी नाली में चला गया है, जो सांस वाली होती है ना, और जहाँ से सांस लेते हैं वो वापस अंदर गया है, जिसकी वजह से उसको सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही है। तो उसके चांस तो यही है, 50-50 है, बच जाए, हमारा नसीब हमारी किस्मत है। हम यही कह रही थी कि जो किस्मत में खुशी आती है वो खुशी क्यों चली जाती है। तो मैंने बहुत ज़्यादा, जब मैंने बच्चों को रोते हुए देखा, बच्चे बहुत ज़्यादा डर गए थे। जाहिर सी बात है, स्कूल जाते हैं, स्कूल में उनके दिमाग पे ये चीज़ें असर करेंगी, वहाँ पढ़ नहीं पाएंगे, पूरा टाइम क्लास में ये चलता रहेगा कि क्या होगा क्या होगा। माँ की ये हालत हो गई, खुशी को ऐसा देख लिया बच्चों ने कि बाद ना मैं कभी भी घर पर कोई पेट नहीं रखूँगी। दूसरी बात, कि व्लॉगिंग में नेक्स्ट सितंबर की 15 को मैंने व्लॉगिंग, सितंबर को जैसे ये चैलेंज पूरा होगा तो मैं कुछ दिन के लिए यूट्यूब पे नहीं आऊँगी। मैं अपने आप को रिलैक्स करना चाहती हूँ, एक अपने आप को एक अलग सेपरेट एक सुकून देना चाहती हूँ, और वो मैं कुछ टाइम बाद जैसे ठीक होंगी इंशाल्लाह आपके पास वापस आऊँगी। मेरी व्लॉगिंग वैसी नहीं है क्योंकि मैं नहीं बना पा रही, इंशाल्लाह सब ठीक होगा, मैं अच्छे से व्लॉग भी बनाऊँगी। वैसे हंसती मुस्कुराती सब कुछ आपको वैसे देखने को मिलेगा।